कानपुर शहर के विकास की गति को तेज करने और शहरवासियों से टैक्स वसूलने और टैक्स में छूट के लिए कानपुर नगर निगम शनिवार को अपना सदन आयोजित करने जा रहा है। ये सदन शाम को 4 बजे शुरू होगा, जिसमें महापौर प्रमिला पांडे, नगर आयुक्त शिव शरणप्पा समेत वार्ड के पार्षद, विधायक और अधिकारी शामिल होंगे। सदन में हाउस टैक्स, जल टैक्स, सीवर टैक्स की वसूली और छूट पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ हास्य कलाकार स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के नाम पर किदवई नगर चौराहे का नाम रखने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। सदन में 4 अहम प्रस्ताव हैं। टेबल प्रस्ताव के रूप में कई अहम प्रस्ताव और भी शामिल होंगे। बता दें कि सदन में कोई चूक ना हो, इसके लिए कर्मचारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही सदन परिसर को खोलकर साफ सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। कानपुर शहर के विकास कार्यों को लेकर कल नगर निगम का सदन आयोजित होगा। सदन सभागार में इस समय हम लोग मौजूद हैं। इस परिसर में आपको दिखा दें कि जो कर्मचारी हैं वो यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर महापौर हैं, वो बैठेंगी, उनकी अध्यक्षता में ये सदन जो है होगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो नगर आयुक्त हैं, आला अधिकारी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आएंगे और ये पार्षद जो सीटें हैं यहाँ पर पार्षद लोग विराजेंगे और अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर रखेंगे। और इस सदन में 4 अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा करी जाएगी। जहाँ एक तरफ राजू श्रीवास्तव के निधन से शोक फैला हुआ है, तो वहीं किदवई नगर चौराहा जो है उसका नाम राजू श्रीवास्तव के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। और उसके साथ साथ फूलबाग नाना राव पार्क में जिस तरीके से लोग टहलने आते हैं, एक मुद्दा गर्मा गया था कि टहलने वालों से टिकट वसूला जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। तो नगर निगम का जो सदन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और कल ये होना है। जो अहम फैसले हैं वो भी यहाँ पर लिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि गृह कर वसूलने के लिए नगर आयुक्त और नगर आयुक्त के आला अधिकारी किस तरीके से शहरवासियों को राहत और उनसे अधिक से अधिक बकाया टैक्स वसूल कर पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीलू मिश्रा के साथ सारिका गुप्ता, GMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMDNews।